सास बहू की खेचातानी और मैं बेचारा। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुबारा। सास बहू की खेचातानी और मैं बेचारा। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुबारा। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। गुड्डू 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 मेरे भाई, मेरी मदद कर। मैं खुद इमदाद पे चलता हूँ, आपकी क्या मदद कर सकता। अरे नहीं पगले, बात बहुत दूर तक पहुँच गई। ऐसा क्या कर दिया आपने? अरे मैंने नहीं, जेबो ने। मैंने बहुत उसको मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रही। किसने कहा था कि उसे नाराज कर दो? अरे तुमने सुना नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें हो जाती है लेकिन बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है। मेरी बहन बहुत मासूम है, जरूर तुमने कुछ कहा होगा। ओहो अच्छा, मेरे कहने से ना उससे बात करके देखो प्लीज। नहीं भाई नहीं, वो गुस्से में होगी ना, मुझे मारेगी। ओहो तो मम्मी पापा को बोलो कि मेरी और जेबो की सुलह करा दे प्लीज। अम्मी बुडापेस्ट गई है और अबू थाईलैंड गए हैं काम के सिलसिले में। वो कौन से काम के लिए गए भाई? मुझे नहीं पता भाई। अरे जबरदस्त किस्म के कमजोर भाई, तो बहनों के लिए जान दे देते हैं, तुमने तो सिर्फ मेरी सिफारिश करी। उसके पंच खा खा कर मैं बड़ा हुआ हूँ। खैर अब तो तुम्हें भी उसकी ताकत का अंदाजा हो गया हो। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता भाई ना। अरे तो भाई ये बता कि मेरी और जेबो की सुलह कैसे होगी? उसे कोई इंतहाई कीमती तोहफा दे दो, वो राजी हो जाएगी। पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। तो काम करो। वो क्या? अपना गुर्दा बेच दो, उस पैसों से जब उसे गिफ्ट दोगे ना तो वो बहुत खुश होगी। तेरे मुंह की तारीफ नहीं, तू बहुत ही घटिया आदमी है, बहुत ही घटिया। वाह वाह वाह, कह के कौन गया? खाला आप? हाँ मैं। लेकिन हैरान क्यों हो रहे हो? खाला अल्लाह से मैं इसमें कुछ और भी मांगता तो वो भी मिल जाता। क्यों? खाला के आने पे पछता रहे हो? नहीं नहीं खाला, आप तो फरिश्ता बनकर आई हैं। मौत का? नहीं नहीं खाला। हुआ क्या है? गजब हो गया खाला। चलो शुक्र है। कब हुआ? खुशखबरी सुनने को तो कान ही तरस गए थे। नहीं नहीं खाला, वो नहीं हुआ जो आप समझ रही। तो फिर? खाला जेबो मुझसे नाराज हो गई है। तेरी कौन सी खाला जेबो आ गई? नहीं नहीं जेबो मेरी बीवी मुझसे नाराज हो गई है, मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी नाराजगी से तुझे मसला क्या है? मोहब्बत, मैं जेबो से बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्या याद करा दिया, अल्लाह बख्शे तेरा खालू मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मेरे भाई ने उसकी टेंट कर दी थी लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। खाला आपका तो बहुत तजुर्बा है। अरे पागल, मियां बीवी का क्या है, अभी लड़ाई अभी सुना। नहीं नहीं खाला, इस दफा जो हालात ना बड़े गंभीर हो गए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता खाला। बेटा वैसे तुम्हारा सारा खानदान जन मुरीदी में मास्टर है, तू भी वैसे ही निकला। खाला ताने तो मत दे। तो क्या तुझे 6-7 दूं? खाला अब आई गई है ना तो प्लीज मेरी जेबों से सुलह करवा दे। दरवाजे पे ही करा दूं क्या? नहीं नहीं चेहरे पे ना इतने नखरे जचते नहीं है। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मैं यहाँ कमेटियाँ डालने के लिए आई हूँ। वैसे आप अंदर कैसे आ गई? जैसे तुम आई हो। ये मेरा घर है। मेरा भी है, मेरी बहन का घर है, जब चाहे आऊँ जाऊँ, इफ्ली की खाला हूँ मैं। ओ वैसे इतनी बुरी ना इफ्ली की खाला ही हो सकती है। जबान संभाल के बात करो, मैं बहुत खतरनाक औरत हूँ। 440 वोल्ट आपके चेहरे पे लिखे हुए हैं वैसे। अरे तुम्हें जरा तबीयत नहीं है बड़ों से बात करने की? नहीं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह भाई तौबा, हमारे दौर में तो बड़ों के सामने नजर नहीं उठाया करते थे। वो दौर और था, इस दौर में तो ना हाथ भी उठा लेते हैं। इसी का इतना बुरा इंतखाब? तौबा तौबा तौबा, चाय पानी तो दूर की बात, ये तो मरने मारने की बात कर रही है। मैंने सिर्फ हालात पे तबसरा किया है। तुम एंकर हो या खबरें पढ़ती हो? जी नहीं। तुम नाराज क्यों हो? अगर मैं नाराज होती तो आपसे बात क्यों करती? अरे मैं इफ्फी की बात कर रही हूँ, उस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इफ्फी और मासूम वेरी फनी। अरे फूल जैसा बेटा तुम्हें दिया है, उसकी इज्जत करो, कदर करो। एक बात करें, वैसे इज्जत करूँ या फिर कदर? तुम्हारी जबान तो कैंची की तरह चलती है। अगर कुछ काटना हो तो मुझसे रब्ता जरूर कीजिएगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों कर पाऊंगी भाई। अरे किस कदर बदतमीज लड़की है ये। खाला क्या कहा उसने? तुम्हारी बीवी तो बहुत नकचिड़ी है। नहीं नहीं खाला, उसकी नाक तो सीधी है। अरे वो सीधे मुंह बात नहीं करती। क्या मेरे गम में उसका मुंह टेढ़ा हो गया खाला, उसको लकवा तो नहीं हो गया कहीं? अरे बुद्धू, वो इंतहाई बदतमीज लड़की है। ऐसा तो ना कहे खाला, बहुत टेढ़ी पसली है वो। या अल्लाह खाला, कभी नाक टेढ़ी है कभी पसली टेढ़ी है, आप एक्सरे करने गई थी उसको मनाने? अरे भाई वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। नहीं नहीं खाला, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, उसको तैयार करें, उसको मनाने की कोशिश करें। अरे खाक कोशिश करें,
मैं तो उससे बात तक ना करूं। नहीं नहीं खाला, वो दिल की बहुत अच्छी है, बस जबान की सख्त है। तो मैंने उसके दिल में घुस के तो बात नहीं करनी ना, जबान से ही समझाना है। ओफ खाला, मैं उसकी नाराजगी में माही बेआब बन गया हूँ। किसका माही बन गया हूँ? अरे तड़प रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। सबर कर, अब हंगामा खड़ा किया है तो उसे सुलझाने में टाइम तो लगेगा ना। ओके खाला, बस अब आप ही मेरे मसीहा है। तू फिक्र ना कर, अगर ये नहीं मानी ना तो मैं तेरे सामने लड़कियों की लाइन लगा दूंगी। वो क्यों खाला? तुझे कंकरियां मारने के लिए, अरे शादी के लिए और किसके लिए? ओफ खाला नहीं, अपने अल्फाज वापस ले ले, मैं जेबों के अलावा किसी का सोच भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। सोचने का नहीं कह रही, शादी का कह रही हूँ बेवकूफ। ओफ खाला, आप मेरा घर उजाड़ने का नहीं बल्कि बसाने का सोचे। ओ जेबों ने तो इस पर तावीज कर रखी, मैं इसका तोड़ करने की कोशिश करती हूँ। तुम कौन हो? जी मैं गुड्डू। यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं यहाँ रहता हूँ। किराएदार हो? नहीं। इफी के दोस्त हो? नहीं। तो फिर किस हैसियत से यहाँ रहते हो? वो दरअसल मेरी बहन और इफी मियाँ बीवी है। क्या, तुम इफी के साले हो? यूँ ही समझ ले। शर्म नहीं आती बहनों के घर रहते हुए? जी मैं बहुत शर्मा के रहता हूँ। वैसे आप कौन है? तू कौन होता है इफी की खाला से पूछने वाला कि मैं कौन हूँ? अच्छा तो आप खाना है जी? सलाम अलैकुम। पहले सलाम याद नहीं आया? तो आपने मौका ही नहीं दिया। तुम दोनों बहन भाई कितने मुख्तलिफ हो, सगे हो ना? जी जी बिल्कुल। एक वो है जबान दराज, एक तुम हो बा अदब, बा मुलाजा, होशियार, ये भी साथ होता है। अच्छा मजाक कर लेते हो, शादी हुई है तुम्हारी? नहीं। तू फिक्र ही ना कर, हीरा ढूंढ के लाऊंगी तेरे लिए। हीरा? मैंने क्या कर? बेवकूफ, शादी के लिए हीरे से? नहीं नहीं नहीं, मैं हीरे से शादी नहीं करूंगा। जाओ मेरे जाके पानी लेके आओ। अच्छा जी मैं लेके आता। मेहमान यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं और मेजबान मजे कर रहे हैं। वैसे यहाँ से आप राइट जाएंगे ना तो किचन सामने ही है, और बाय द वे आप यहाँ कोई मेहमान नहीं है। देखो मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा समझाने आई हूँ। क्यों, उसके बाद आप क्या फौत हो जाएंगी? अरे मरे मेरे दुश्मन, इसके बाद अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। क्या कर लेंगी आप? ये तो वक्त ही बताएगा। अरे मेरे इफ्फी के लिए कई लड़कियाँ खड़ी हैं। इफ्फी के लिए? क्यों, क्या वो स्कूल में पढ़ाता था? अरे अदब में नहीं खड़ी, रिश्ते की मुंतजर है। वैसे ये आपका अरमान ही रह जाएगा। सच सच बताओ तुमने जादू तो नहीं किया इफ्फी पे? मुझे क्या जरूरत पड़ी जादू करने की? फिर वो तुम्हारे पीछे पागल क्यों है? आप उसी से पूछे जाके। अरे जब दोनों में इतनी मोहब्बत है तो सुलह क्यों नहीं कर लेते? उसे अपने किए की सजा मिल के रहेगी। इतनी भी अकड़ अच्छी नहीं है, अगर वो कोई दूसरी ले आया तो? एक्सक्यूज मी, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? ओफो, वैसे आपकी सेहत के लिए बेहतर यही है कि आप अपने काम से काम रखे। कितनी तेज लड़की है ये, इस लड़की का तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ हाँ मैं यहाँ आ गई हूँ, तुम भी आ जाओ। ठीक है ठीक है, हाँ लिखो लिखो एड्रेस लिखो। हाँ हाँ B22। जेबो, मेरी बात तो सुनो। तुमने क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? तमाशा? ना तो मैं मदारी हूँ ना मेरे पास बंदर है। तो फिर ये सिफारशी मेरे पीछे लगा के क्यों रखा हुआ है? वो तो हमारी सुलह के लिए आई है। सुलह नहीं, खुला होगी, I'm telling you। इतनी जालिम मत बनो जेबो। तो तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था, अपनी जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए था। अरे ये लो जेबो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अगर तुम मुर्गा भी बन जाओ ना मेरे सामने तब भी माफी नहीं मिलेगी। और अगर मैं अंडा दे दूँ तो क्या हमारे मुजाकरात नहीं हो सकते? ऑफ कोर्स नॉट। अपनी खाला से जाके बोल दो कि अपने काम से काम रखे। इसी काम के लिए तो आई है, वो बड़ी है जेबो, हमारी लड़ाई खत्म करा सकती है। अगर अब उन्होंने मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं जेबो, तुम मुझसे नाराज रहो, खफा रहो, लड़ाई करो, लेकिन रहो मेरी नजरों के सामने। और अगर तुमने दोबारा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। नहीं जेबो, अरे क्या करूं, इसका तो पारा ही नीचे नहीं आ रहा है। अब कौन आ गया? हेलो। हाय हाय,
हाय जी, आप कौन? बड़े शरारती हो। मैंने क्या कर दिया जी? तुम्हें देखते ही ना तुम्हारे सारे बचपन की हरकतें मेरी आंखों के सामने आ गई। क्या मतलब? तुम्हें याद है कि तुम बचपन में लॉलीपॉप पर मिट्टी लगाकर खाते थे? क्या बात कर रही हैं? एक दफा तुम अपनी उम्र से बड़े लड़कों के साथ खेलने गए थे और देर से घर वापस आए थे। खेल खेल कर तुम्हारी हालत खराब हो गई थी तो तुम्हें घर पर बड़ी मार पड़ी थी। ये क्या बड़े मुर्दे उखा रही हैं? कौन है आप? तुम्हारे मामू के दोस्त शौकत की बेटी सहर। अच्छा, आप इतनी बड़ी हो गई? तुम तो जैसे वही खड़े हो, तुम भी काफी हैंडसम हो गए हो। लेकिन इतने अरसे बाद यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई आप? वो मुझे खाला ने बुलाया तुम्हें देखने। मैं लकी ईरानी सर्कस में काम करता हूँ। ये बताएं अंकल आंटी नहीं आए? उनकी अलहदगी हो गई। ओह गॉड, यहाँ भी कितना डरावना लफ्ज है अलहदगी, सेपरेशन। वैसे मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। ये भी खाला ने बताया? जी बिल्कुल। नहीं नहीं, ये तो बस हमारे दरमियान हल्की फुल्की नोक झोंक चल रही है और कुछ भी नहीं। तो क्या मैं अब दरवाजे से वापस चली जाऊँ? क्या? नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। कम ऑन कम ऑन, जल्दी वो। हाय मेरी बच्ची, इतनी कमजोर हो गई है। क्या करूँ खाला, जिंदगी में टेंशन ही इतनी है। तुझे अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तू मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए तो मम्मी ने मुझे आपके पास भेजा है। मुझे पता है, गांव में आधे से ज्यादा रिश्ते मैंने कराए। हाँ, और तलाके भी है। ये तुझे किसने कहा? मम्मी ने। उनकी अलहदगी भी तो आपकी वजह से ही हुई थी ना। नहीं नहीं, वो तो गलत फहमी थी, वरना वो तुझे मेरे पास क्यों भेजती? यहाँ की क्या रिपोर्ट है? अरे इफ्फी की बीवी तो बड़ी बददिमाग है, वो नहीं बसने वाली। हाँ तो फिर उसे चलता करे। अरे थोड़ा सा सबर कर मेरी बच्ची, जो जादू उसने इफ्फी पे किया हुआ है ना, वो तो खत्म हो। हाला उसकी आप फिक्र ना करें, मैं आ जो गई हूँ ना। शाबाश, तू तो बिल्कुल अपनी माँ भी गई है। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है उसका दिमाग भी तो तेज था ना। अब ये बताएं कि मुझे क्या करना है? इफ्फी को काबू में रखना है, उसका ख्याल रखना है और उसकी हाँ में हाँ मिलानी है बस। वैसे खाला ख्याल रखने वाला काम ना जरा मुश्किल है, लेकिन हाँ मैं मैनेज कर लूंगी। अरे अकलौता बेटा है, ये सारी जमीन जायदाद मैं तेरे नाम करवा दूंगी, बाद में बेशक तू उसे छोड़ देना। इतना सब कुछ मैं उसे भला क्यों छोड़ूंगी? बेटा तेरा रिकॉर्ड ही ऐसा है, वैसे इफ्फी से तेरी तीसरी शादी होगी ना। आहिस्ता खाला, घरों के भी काम होते। बस देख, जो भी करना ना अपनी खाला को नहीं भूलना। खाला की ऐसी बातें कर रही है, आप भी कोई भूलने की चीज है। हमारे लॉन में इतना खूबसूरत फूल कहाँ? मेरे सामने खड़ा है। एक्सक्यूज मी, कौन है आप और इतना फ्री क्यों हो रहे? वो मेरी चूड़ियाँ घिस गई है ना, इसलिए फ्री हो रहा हूँ। मैं गुड्डू। चूड़ियों की निस्बत से तो तुम्हारा नाम गुड्डी होना चाहिए जी। वैसे ना मैंने ऐसी शक्ल सिग्नल पे खड़े देखी है गाड़ियों के शीशे बजाते हुए। आपको गलतफहमी हुई है, मैं जेबो का भाई हूँ। कौन जेबो? इस घर की मालकन। लेकिन इफ्फी की अम्मी का नाम जेबो तो नहीं है। मगर इफ्फी की बीवी का नाम जेबो है। अच्छा, तो तुम उसके भाई हो। यकना शुद्ध दो शुद्ध। आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। मैं सहर हूँ, इफ्फी की दूर की कजन। क्या नाम है सहर, पहली ही नजर में जादू कर देने वाली। वो सहर होता है, मैं सुबह वाली सहर हूँ। मैं रात की तारीखी से तंग आ गया हूँ, सुबह का मुंतजर हूँ। ओए शक्ल देखिए कभी आईने में। हाँ जी, अभी देख कर आ रहा हूँ। कुछ लगा हुआ है क्या? बेगैरती के दाग लगे, उसे धोने की जरूरत है। बहुत अच्छा मजाक कर लेती है आप। सच? आपको मजाक लगता है? नहीं। ओए अपनी हद में रहो, वरना मैं इफ्फी से ना तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इफ्फी क्या मेरी अम्मी है जो मैं उससे डरूंगा? मैं तो कोशिश जारी रखूंगा। लड्डू में हड्डी। जी खाला, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जेबो राजी हो गई खाला? जेबो भी इसमें कहाँ से आ गई? तो फिर देखो बेटा, जब एक दरवाजा बंद होता है ना तो दूसरा खुल जाता है। नहीं नहीं खाला, एक नहीं, हमारे घर के सारे दरवाजे खुलते बंद होते हैं। ओफो बेवकूफ, मैं तुम्हारे मुस्तकबिल का सोच रही हूँ। मेरे मुस्तकबिल का आप क्यों सोच रही है खाला? अरे क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम सहर से मिले हो ना। जी खाला। बहुत अच्छी लड़की है, बाअदब बाइखलाक ख्याल रखने वाली। नहीं नहीं खाला, इतना कुछ खास नहीं जानता मैं उसके बारे में। अरे बेटा, बीवी तो वो होती है जो खिदमत करे, मोहब्बत करे, जबान न चलाए जेबो की तरह। अरे खाला, जेबो भी तो बीवी है, रेसलर कोई है। हाँ, लेकिन दोनों में फर्क है ना। सहर जैसी बीवी जिंदगी को गुलजार बना देती है और जेबो जैसी जहन्नुम। तुम सहर के बारे में सोचो ना। नहीं नहीं खाला, ये बहुत मुश्किल काम है। मगर नामुमकिन तो नहीं है ना। मुझे यकीन है अगर तुम उसे मौका दोगे ना, वो तुम्हारी तवक्को से ज्यादा निकलेगी। खाला मेरी सोई हुई ख्वाहिशें मत जगाओ और मुझे दोहराए भी मत लाओ प्लीज। मर्द तो चौराहे पे आ जाते हैं, तुम दोहराहे से घबरा रहे हो। अच्छा
अच्छा ठीक है खाला, मुझे सोचने का वक्त दे। हाँ हाँ बेटा, पहले एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लो फिर फैसला करना। अच्छा खाला देखता हूँ। अब मजा आएगा, बड़ी आई इफी की मोहब्बत का दम भरने वाली। अरे इफी 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 मेरी बात तो सुनो इफी, इफी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहाँ जाना है सहर, सहर होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। उफ, इतनी उदासी? ओह सहर, जब जिंदगी से रंग निकल जाए तो जिंदगी फीकी हो जाए। रंग निकले क्या चीनी, खैर कोई बात नहीं, रंग तो फिर भी भरे जा सकते हैं ना। हाँ हाँ, मगर आजकल महंगाई बहुत हो गई है और रंगों के रेट भी बढ़ गए। मुफ्त में भी मिल जाते हैं, ढूंढो तो सही। कोई स्कीम चल रही है रंगों की? ओफो, छोड़ो ये बातें, बचपन में तो तुम इतने शरारती थे, अब क्या हुआ? मेरा दिल टूट गया है सहर, मुझे गम लग गया है। अब मायूसी की बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है? जिबो। मैं खाने का पूछ रही हूँ। मुझे उसके हाथ का खाना जो भी पक्का पसंद है। इफी, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? वैसे मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, जो मर्जी है बना दो। और कलर कौन सा पसंद है? अरे क्यों, तुमने पेंट करना है क्या? पेंटर भी हो? तुम्हें गिफ्ट देना है। मुझे तुमसे ऐसी वाइब्स आ रही है कि मैं कैदी हूँ वो भी मौत का, और मुझसे आखिरी ख्वाहिशें पूछी जा रही है। आज से मैंने ना तुम्हारा ख्याल रखना है, और हाँ तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे, कुछ भी नहीं। मैंने क्या छुपाना है, मेरी जिंदगी तो दुख भरी खुली किताब है। तो इसे खुला ही रहने दो, मैंने हर सफा पढ़ना है। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। ऐसा ना हो कि इसकी चाहत मुझे जेबों से जुदा कर दे। यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं तो? क्या बकवास है ये, मेरे घर में खड़े होकर मुझसे पूछ रहे हो कि कौन है तुम? अच्छा तो तुम हो जेबो जिसके जुल्म की दास्तान मशहूर है। What? तुम हो कौन? मैं सहर, वैसे तो मैं इफ़ी की दूर की रिश्तेदार हूँ, लेकिन अब बहुत जल्द करीब हो जाऊंगी। ख्वाबों में? जी नहीं, हकीकत में। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी क्या मोहब्बत की शादी थी? तुम्हें इससे क्या मोहब्बत की थी, या किसी और की? दाद देने को दिल चाह रहा है जो कुछ अरसे में ही खत्म हो गई। लेसन, हमारी मोहब्बत तो ना कुछ नहीं हुआ। तो फिर बात अलहदगी तक कैसे पहुँची? ये तुमसे किसने कह दिया भाई? इफ़ी ने, उसने कहा है कि वो तुम्हें छोड़ रहा है, वो भी तुम्हारे रवैये की वजह से। इफ़ी तो ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा ही करने वाला है, और तो और वो मुझे अपनाने वाला है, क्योंकि तुम अब उसे अच्छी नहीं लगती। क्या, खबरदार जो मेरे इफ़ी के बारे में तुमने ऐसी बात की। मेरा इफ़ी? हेलो, ये तुमसे किसने कह दिया? जिस बीवी के बारे में शौहर इतना बोल दे और वो फिर भी उसी के घर में रहे, हैरत है। मुझे तुम्हारी ना सारी प्लानिंग लग रही है इफ़ी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा खेल अब खत्म, अब इफ़ी की जिंदगी में सहर आने वाली है। मैं तुम खाला भांजी को ना छोड़ूंगी नहीं। डू व्हाट यू कैन। ओवर कॉन्फिडेंट कहेगी, अगर इन दोनों को घर से नहीं निकाला तो मेरा नाम भी जेबो नहीं है। फिर तुमने क्या सोचा इफ़ी? किस बारे में खाला? घर बसाने के बारे में। वो तो पहले ही बसा हुआ है। इफ़ी खाला हमारी बात कर रही हैं। मैं क्या कह सकता हूँ? इसका मतलब कि तुम राजी हो? नहीं खाला, हाँ नहीं नहीं। ये क्या नहीं हाँ नहीं हाँ लगा रखी है? अरे मर्द बनो और एक फैसला करो। खाला वही तो फैसला नहीं कर पा रहा मैं, कहाँ जाऊँ? इफ़ी तुम कहीं जा रहे हो क्या? नहीं जेबो, तुम राजी हो गई? ऑफ कोर्स, देखो छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में होती है ना। मतलब लड़ाई खत्म? हाँ नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? अपनी जान से भी ज्यादा जेबो। अच्छा तो फिर तुम मेरे लिए कर क्या सकते हो? अरे जो तुम कहोगी, कहो तो अपनी जान दे दूँ। बड़े बड़े जन मुरीद देखे लेकिन तुम जैसा नहीं देखा इफ़ी। ओहो खाला आज तो देख लिया ना। बाय द वे इफ़ी, हमारा झगड़ा खत्म, मगर एक शर्त है। वो क्या जेबो, जल्दी बताओ। वो ये कि तुम अभी इन दोनों खवातीन को मेरे घर से निकालो। बस इतनी सी बात खाला, प्लीज अब आप लोग जाइए, हमारा मामला सुधर गया। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे इनके मामला तो तय हो गए, मगर मैं तो अभी तक कवारा हूँ ना। खाला मेरी शादी सहर से करवा दे। खाला के बच्चे, ये सब तुम्हारा किया धरा है। अरे मुँह क्या देख रहे हो, मारो इसको। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, सास बहू की खेचातानी और मैं बेचारा। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, सास बहू की कबड्डी भैया। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी।